श्री हर मंदिर साहिब में नतमस्तक होने वाले पर्यटकों की आमद आधी, होटलों व गेस्ट हाउस के कमरे खाली। श्री हर मंदिर साहिब में नतमस्तक होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या प्रतिदिन 1.5 लाख से घटकर 75,000 रह गई है। संख्या कम होने से श्री हर मंदिर साहिब के 7 यात्री निवासों के आधे कमरे खाली पड़े हैं। यही आलम होटल व गेस्ट हाउस का भी है। बाढ़ की स्थिति के कारण श्री हरमंदिर साहिब के इर्द गिर्द बने होटल एवं गेस्ट हाउस में सन्नाटा छाया है। बता दें कि श्री हरमंदिर साहिब के इर्द गिर्द बने करीब 800 होटल व गेस्ट हाउस के 80% कमरे खाली पड़े हैं। बाढ़ की वजह से होटल कारोबार ठप होकर रह गया है। हालात यह है कि होटल प्रबंधक ग्राहकों को होटल के कमरे निर्धारित किराए में से आधे रेट पर भी कमरे देने को तैयार हैं। श्री हरमंदिर साहिब परिसर व इर्द गिर्द कुल 7 यात्री निवास NRI, सारागढ़ी निवास, माता गंगा जी निवास, माता गुजरी निवास, श्री गुरु अर्जुन देव जी निवास, श्री गुरु रामदास जी निवास तथा SGPC कार्यालय स्थित तेजस सिंह समुद्री निवास के आधे कमरे खाली पड़े हैं। इन निवासों के कुल 750 कमरे एवं हाल हैं, जिनमें करीब 6,000 श्रद्धालु प्रतिदिन ठहरते हैं। यात्री निवासों के मैनेजर निशांत सिंह का कहना है कि अगले 10-15 दिनों तक भी हालात सामान्य होने की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने बताया कि बाढ़ से पंजाब की मालवा व दोआबा बेल्ट में काफ़ी नुकसान हुआ है। चंडीगढ़, मोहाली, पटियाला, गुरदासपुर, पठानकोट इत्यादि शहरों एवं गांवों में बाढ़ की स्थिति के नतीजन पंजाब ही नहीं अन्य राज्यों में भी श्रद्धालुओं के आगमन पर असर पड़ा है।